आणि म्हणून नक्कीच मानखुर्द शिवाजीनगर सारख्या एरियामध्ये अधिक त्या ठिकाणी लक्ष देऊन काम केलं जाईल आणि आपण जे मुद्दे समोर आणलेले आहेत तिथल्या डीसीपींना सांगून तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आपण देऊ आणि दुसरं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। जैसा कि आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून बनाने के लिए हमारी कमेटी काम कर रही, वहीं पे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों को नशे से निकालने में हमारी कमेटी भी काम कर रही। और जनवरी 2023 से जो हमने महाराष्ट्र नशा मुक्ति अभियान शुरू किया उसके बाद मानखुर्द गवंडी शिवाजीनगर के इलाके जो अबू हसीम साहब एमएलए हैं उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में आवाज उठाई। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस बात पे कहा कि गवंडी में मानखुर्द में मैं डीसीपी साहब को बोल के जो है इस पे कार्रवाई करने लगाऊंगा और गवंडी मानखुर्द में जो है पुलिस भी बढ़ाने लगाऊंगा। इस ताल्लुक से हमने जो है लेटर भी लिखा मुंबई जिला कलेक्टर को, डीआईजी साहब को, मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, ईसीपी साहब को और शिवाजीनगर पुलिस को और ट्रॉम्बे पुलिस को और विधायक अबू हसीम साहब को। इस लेटर में हमने लिखा कि सबसे पहली बात जो महाराष्ट्र विधानसभा में जो बात हुई थी कि रिलीफ कैंप बनाएंगे, जो लोग बच्चे नशा करते हैं नशे में जो बच्चे मुतला हो गए, जो लोग नशा करने के बाद क्राइम कर रहे हैं नशा नहीं मिलने की वजह से जो बच्चे बेहोश हो जा रहे उनके लिए हम रिलीफ कैंप बनाएंगे, तो हमने इस लेटर में बाकायदा लिखा। ये लेटर भी हम इस वीडियो के साथ में आपको देंगे। लेटर में हमने लिखा है कि सबसे पहली बात शिवाजीनगर गवंडी, जो गवंडी में शिवाजीनगर आता है, रफीक नगर की जो पुलिस चौकी बीट है वो बीट को चालू किया जाए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू में हमने लिखा कि शिवाजीनगर में जो है 165 पुलिस है, कांस्टेबल इंस्पेक्टर और सीनियर इंस्पेक्टर को मिला के 165 पुलिस है, पुलिस की तादाद बढ़ाई जाए। और चार नंबर में हमने लिखा कि रिलीफ कैंप बनाया जाए। पांच नंबर पे हमने लिखा कि जिन जिन लोगों के ऊपर नशा बेचने का केस है, जो जो लोग नशा बेचने के केस में अंदर जा चुके हैं उनको वापस कार्रवाई करके अंदर डाले और उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून करके उनको लाइफ लगाए, उम्र कैद लगाए। तो ये सारा कार्रवाई हमारी चल रही थी, मगर हमने जब 1 नवंबर को हमने लेटर डिस्पैच किया, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि हमको ना पुलिस की तरफ से कोई जवाब मिला, ना डीआईजी साहब की तरफ से जवाब मिला, ना कलेक्टर साहब की तरफ से जवाब मिला। और जब हमने जनवरी के महीने से हमने महाराष्ट्र में जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में क्या बात हुई मैं आपको थोड़ी सी इसमें सुना रहा हूँ और इस वीडियो के एंड में लगा रहा हूँ। आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता, ये वीडियो पूरी सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुस्लिम समाज के बच्चों को नशे से निकालने में हमारी कमेटी का साथ दे। जरा सा ये वीडियो सुन ले। नक्कीच मानखुर्द शिवाजीनगर सारख्या एरियामध्ये अधिक त्या ठिकाणी लक्ष देऊन काम केलं जाईल आणि आपण जे मुद्दे समोर आणलेले आहेत तिथल्या डीसीपींना सांगून तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आपण देऊ। आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडलेला आहे की आपल्याला रिहॅब सेंटर तयार करावे लागतील, कारण त्याशिवाय आपण डी ॲडिक्शन करू शकणार नाही। या संदर्भात या बजेटमध्ये आपण काही रिहॅब सेंटरची घोषणा केलेली आहे, पण आवश्यकतेनुसार अधिकचे रिहॅब सेंटर देखील आपण तयार करू। अब रिहॅब सेंटर यानी जो लोग नशा करते है या लोग जो नशे में ज्यादा पागल हो गए ये उनके लिए रिहैब सेंटर बनता है उनके इलाज के लिए। उसके बाद अबू हसीम साहब का भी मैं वीडियो आपको सुना रहा हूँ और ये पूरा वीडियो मैं आपको लगा के इस वीडियो के साथ में दूंगा, आप सुन लीजिए। लोग कहीं से भी जाते हैं, झोपड़े बनाते हैं, रह जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे क्राइम वहां हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये नशे का काम बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है वहां पर। अभी आपने सब चीज की बात किया, थिनर होता है, थिनर गाड़ी के लिए यूज होता है, थिनर आयोडेक्स जो पेन पे लगाते हैं, ये ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खा जाते हैं, थिनर पी जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा है। और क्या है, ये रात को ये जो है मैदान में जहां जगह खाली मिलती है, राशन ऑफिस में मैं उस दिन रात को 11 बजे गया, लाइन से बैठ के सब पी रहे हैं वहां पर। तो ये पूरा वीडियो मैं इसमें लगा रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। और खास करके मानखुर्द शिवाजीनगर गवंडी की पब्लिक से गुजारिश के 12 तारीख को सुबह 10 बजे रोड बंद आंदोलन हम करने वाले, हमारी कमेटी का आप लोग साथ दे। मैं ये नहीं बोलता कि आपके बच्चे नशा कर रहे हैं, मगर अगर आपके पड़ोसी के बच्चे नशा कर रहे हैं या आपके भाई के बच्चे नशा कर रहे हैं या आपके इलाके में नशा हो रहा है या आपके शहर में नशा हो रहा है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ेगा। एक सोची समझी साजिश के तहत जो है मुस्लिम इलाकों में नशा कराया जा रहा है,
इस नशे को रोकने के लिए हमारी कमेटी का साथ दे। दूसरी अहम बात महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र प्रशासन से, महाराष्ट्र पुलिस से ये है कि अबू आसिम साहब ने भी बोला कि हमारे इधर नशा हो रहा है, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने भी बोला कि पुलिस बढ़ाई जाए। तो मेरी अदमन गुजारिश से सबसे पहली बात 12 तारीख से पहले यानी शनिवार तक रात तक अगर शिवाजी नगर रफीक नगर जो बीट है वो बीट नहीं चालू होगी और पुलिस की तादाद नहीं बढ़ेगी तो हम 12 तारीख को सुबह 10 बजे बड़े पैमाने पे धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे। और इस ताल्लुक से हमने 1 तारीख को मुंबई जिला कलेक्टर साहब को, डीआईजी साहब को, मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को, एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को हमने लेटर दे दिया। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है हमने उसको पूरा फॉलो कर दिया। अभी आगे महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि शिवाजी नगर में पुलिस बढ़ाए और नशा करने वालों को रोके, नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करे और ज्यादा से ज्यादा इधर पुलिस दे ताकि हमारे मुस्लिम समाज में बेहतर सुधार आओ, बेहतर सुधार है। और तमाम एनजीओ, तमाम कमेटी जो खास करके शिवाजी नगर की, रफीक नगर की और तमाम मस्जिद वालों से गुजारिश है कि बच्चों को नशे से बर्बाद होने से आप हमारी कमेटी का साथ दे वरना कयामत में आपको अल्लाह जरूर पूछेगा। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता बुलाता है तो तमाम मस्जिद कमेटी के सदर अपना मुंह लेके चले आते, मगर जब जब हमने बुलाया है, चाहे नशे के ताल्लुक से बुलाया है कि नामुस रिसालत के ताल्लुक से बुलाया, एक भी मस्जिद कमेटी का सदर सेक्रेटरी नहीं आता है। आपको हमारे को जवाब देना बहुत आसान होगा, मगर जो कौम हमारी बर्बाद हो रही ना इसका जवाब कयामत में अल्लाह आपको पूछेगा, तब जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। हमारी कमेटी का साथ दे, हमने एक नियत की है कि मुस्लिम समाज के बच्चों को नशे से निकालना है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी कि आप हमारा साथ दे। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आणि म्हणून नक्कीच मानकुर शिवाजी नगर सारख्या एरियामध्ये अधिक त्या ठिकाणी लक्ष देऊन काम केलं जाईल आणि आपण जे मुद्दे समोर आणलेले आहेत तिथल्या डीसीपींना सांगून तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आपण देऊ। आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडलेला आहे की आपल्याला रिहॅब सेंटर तयार करावे लागतील कारण त्याशिवाय आपण डी ॲडिक्शन करू शकणार नाही। या संदर्भात या बजेटमध्येही आपण काही रिहॅब सेंटरची घोषणा केलेली आहे पण आवश्यकतेनुसार अधिकचे रिहॅब सेंटर देखील आपण तयार करू। शिवाजीनगर में, मानपुर में, लल्लूभाई में, चीता कैंप में, ऐसे जगह पे जो नशे का व्यापार हो रहा है उनको पकड़िए। पुलिस को हम पिछले 1.5 से 2 महीनों से बोल रहे हैं कि जो लोग नशा बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करें। हमने स्टेप बाय स्टेप 22 मई, 1 जून और 15 जून को हमने लेटर दिया डीसीपी साहब को कि जितने टुकड़े में जो नशा मुक्ति अभियान हम चला रहे इतने टुकड़े में नशा बेचने वालों को पकड़ो। मानकुर शिवाजी नगर एक स्लम इलाका है, लोग कहीं से भी आते हैं, झोपड़े बनाते हैं, रह जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे क्राइम वहां हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये नशे का काम बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है वहां पर। अभी आपने सब चीज की बात किया, थिनर होता है, थिनर गाड़ी के लिए यूज होता है, थिनर, आयोडेक्स जो पेन पे लगाते हैं, ये ब्रेड पे आयोडेक्स लगा के खा जाते हैं, थिनर पी जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा है। और क्या है, ये रात को जो है मैदान में जहां जगह खाली मिलती है, राशन ऑफिस में मैं उस दिन रात को 11 बजे गया, लाइन से बैठ के सब पी रहे हैं वहां पर। जितनी सरकारी जगहें खाली रहती हैं, मैदान रहता है, वहां बैठे रहते हैं टॉयलेट में घुस करके। औरतें जाती हैं बेचारी टॉयलेट के लिए, वहां उनके साथ बदतमीजी होती है, वहां बैठ के पीते रहते हैं। और पुलिस बल आप कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया सारी चीजें। परंतु जो स्लम एरिया है जहां ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, जैसे मानकुर शिवाजी नगर, आप तुरंत वहां पे पुलिस का बंदोबस्त कीजिए अध्यक्ष महोदय, और उनसे कहिए कि इन जगहों पर जहां रात को ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं, कोने खाचे में बैठे हुए हैं, पी रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, आप आदेश दीजिए अध्यक्ष महोदय। अगर पुलिस चाहे तो सर परिंदा पर नहीं मार सकता, आप सख्त कीजिए कि इस इलाके में एक भी ड्रग वाला दिखना नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं ड्रग खत्म हो जाएगा अगर पुलिस चाह जाएगी तो। आपका आदेश, आपने इसी हाउस में कहा था कि मैं हर पुलिस स्टेशन में एक अलग स्क्वाड बनाऊंगा जो करेगा, लेकिन अभी तक कोई काम अच्छी तरह से हो नहीं रहा है। पकड़े जा रहे हैं लोग लेकिन उससे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ रिहैब सेंटर बनाना चाहिए जहां लोगों को भेजा जाए, रिहैब में फी लगती है, लोगों का पैसे नहीं है, जा नहीं सकते, भेज नहीं सकते, तो इन चीजों पर भी आप जरा कुछ कार्रवाई करेंगे तो अध्यक्ष महोदय बहुत धन्यवाद। सन्मान्य असीम भाई ने जो विषय मांडलेला आहे हा खरोखर महत्वपूर्ण आहे आणि म्हणून नक्कीच मानकुर शिवाजीनगर सारख्या एरियामध्ये अधिक त्या ठिकाणी लक्ष देऊन काम केलं जाईल आणि आपण जे मुद्दे समोर आणलेले आहेत तिथल्या डीसीपींना सांगून तिथे कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आपण देऊ। आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा आपण मांडलेला आहे की आपल्याला रिहॅब सेंटर तयार करावे लागतील कारण त्याशिवाय आपण डी ॲडिक्शन करू शकणार नाही। या संदर्भात या बजेटमध्येही आपण काही रिहॅब सेंटरची घोषणा केलेली आहे पण आवश्यकतेनुसार अधिकचे रिहॅब सेंटर देखील आपण तयार करू। हमने चेंबूर पोलीस डीसीपी साहब को बोला था कि जो चेंबूर में, गवंडी में, शिवाजीनगर में, मानकुर में, लल्लूभाई में,
चीता कैंप में ऐसे जगह पे जो नशे का व्यापार हो रहा है उनको पकड़िए। मगर